बच्चों, स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम। बच्चों, मैं अजय राणा आपको इस कार्यक्रम में आज पढ़ाऊंगा कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें एक चतुर्भुज की रचना करना जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोण दिए हों, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और इसमें प्रश्नावली 4.4 के कुछ प्रश्न हम करेंगे। इससे पूर्व बच्चों, हमने 4.3 प्रश्नावली में चतुर्भुजों का निर्माण सीखा था। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले शुरू कर लेते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। बच्चों, इसमें आपने कमर को सीधा करके बैठ जाना है, आंखें अपनी बंद कर लेनी है और अपनी जो सांसें हैं, लंबी लंबी सांसें लेनी है, आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है बच्चों, 2 से 5 मिनट प्रतिदिन ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से बच्चों, आपकी एकाग्रता की क्षमता में विकास होगा और आपकी विषय धारण क्षमता भी बढ़ेगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं अब प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट। में दो खंड हैं, तो पहला खंड शुरू करते हैं। पहले खंड में हमें दिया है बच्चों, चतुर्भुज की एक रचना करनी है जिसका नाम है DEAR, चतुर्भुज DEAR की हमें रचना करनी है, जिसमें हमें दिया है, इसमें क्या दिया है, DE रेखाखंड हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और EA दिया है 5 सेंटीमीटर और AR दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें तीन भुजाएं दी हैं और इनके बीच के दो कोण एंगल ई दिया है 60 डिग्री और एंगल ए दिया है 90 डिग्री, ये हमें दिए हैं। तो इस चतुर्भुज की रचना करने से पहले हम इसकी रफ आकृति बना लेते हैं। रफ आकृति बना लेंगे चतुर्भुज की, जैसे ये है, तो मान लीजिए ये है DEAR, ये चतुर्भुज हमने बनाया है। तो इसमें हमें एंगल ए एंगल ए एंगल ई बी ई ए आर, तो एंगल ए ये नीचे से ले लिया क्योंकि एंगल दिया हुआ है नीचे, ये है ना, ई दिया हुआ है 60 डिग्री और डी ई भुजा दी हमें 4 सेंटीमीटर और ए आर ये है, ये भुजा ये दी हमें 4.5 सेंटीमीटर और इसके अलावा ए ई या ई ए या ए ई ए की बात है, ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कुछ ये चतुर्भुज बनेगा। इसमें ए ई भुजा सबसे पहले हम बनाएंगे जिस पे हमें कोण बनाने हैं। तो इसे बनाने के लिए बच्चों, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे ऐसे सीधी रेखा, और इस रेखा में से हम 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। 0 हो गया, ये 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर हमने इसमें से काट लिया। 5 सेंटीमीटर हमने काटा, ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु ई। इस भुजा की माप भी लिख देते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर।
अब ए पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल आपको प्रकाश से बनाना आता होगा। आप क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके एक कोई भी त्रिज्या भर करके अर्धवृत्त बनाएंगे, तरह से अर्धवृत्त बनाएंगे, कोई भी त्रिज्या भर लीजिए। अब यह है बिंदु ए। अब इस अर्धवृत्त में आधे से अधिक की दूरी भर के हम दोनों ओर से बराबर माप के चाप काटेंगे। ये हमने चाप काटा। जहाँ ये चाप काटते हैं वहां से हम बिंदु ए को मिलाते हुए रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमने रेखाखंड खींच लिया। बच्चे ये काट रहे हैं चाप यहाँ पे, मैं डार्क इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और ये बनाया गया था अर्धवृत्त। अब देखिए बिंदु ई पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बिंदु ई पे भी प्रकार रख लीजिए और इसमें भी कोई भी दूरी भर करके, कोई भी त्रिज्या भर करके आप अर्धवृत्त बना लीजिए और फिर 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए, जो आपको बनाना आता ही होगा। आपने इससे पूर्व की कक्षाओं में, ये है बच्चों जो मैंने अर्धवृत्त बनाया है प्रकार से, ये यहाँ पे काटा इसने 60 डिग्री का, इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने सीखा होगा इस तरह से बनाया जाता है 60 डिग्री का एंगल। तो ये आपने खींच लेना है बच्चों। अब इसमें से फिर क्या करना है आपको, ई है ना 4 सेंटीमीटर, आपने नाप लेना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, मैंने ये नापा है 0 है और ये 4 है, 4 नाप लिया है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रकार में भर लूँगा। जो 4 सेंटीमीटर मैंने नापा है इसको मैं प्रकार में भर लूँगा ऐसे, देखिए, और ई को केंद्र मान करके एक चाप लगाऊंगा। जहां पे ये चाप काटेगा, जहां पर ये चाप काटेगा उस बिंदु का नाम होगा डी, और इधर ए से 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर मैं नाप लूंगा। ये 0 हो गया और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये दूरी मैंने इसमें नाप ली है। अब यहाँ पे मैं प्रकार में इसे भरूंगा और ए को केंद्र मान करके चाप लगा दूंगा। जहां ये इस रेखाखंड को काटता है उस बिंदु का नाम हो गया आर। आर को डी से मिला लीजिए, आर को डी से मिला लीजिए ये, और इनकी नापे लिख दीजिए। तो ये बन गया डी ई ए आर, जो चतुर्भुज हमें बनाना था ये 4 सेंटीमीटर का है और ये रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से हमने एक दो तीन, तीन भुजाएं और उनके बीच के जो दो कोण थे उनको लेकर के चतुर्भुज की रचना की है। तो बच्चों अब जो है इसका नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं बच्चों। ये आपने नोट कर लिया होगा किस तरह से आपने बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पहले का जो सेकंड पार्ट है प्रश्नावली 4.4 में, पहले का दो पार्ट है इसमें, तो पहले का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये आपने नोट कर लिया होगा ना, इसको साफ कर देता हूँ। ये देखते हैं इसमें चतुर्भुज सेकंड पार्ट, चतुर्भुज हमें बनाना है पी आर यू ई। ये चतुर्भुज हमें बनाना है जिसमें हमें टी आर इक्वल टू दिया है, टी आर की लंबाई दी है 3.5 सेंटीमीटर,
और आर यू की लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर और यू ई की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा एंगल आर हमें दिया है 75 डिग्री का और एंगल यू दिया है 120 डिग्री का, 120 डिग्री। तो बच्चों इसे बनाने से पहले भी हम क्या करेंगे, इसकी एक रफ आकृति, जो ये प्रश्न है आपने देख लिया होगा, इसकी रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति बना लेते हैं। एंगल वाले पॉइंट्स को हम नीचे रखेंगे आधार में, आर और यू, ये आधार में रखे हमने। आर है 75 डिग्री का और यू है 120 डिग्री का, ठीक है। अब ये यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या बनाना है, टी आर यू ई। तो यहाँ पे टी बिंदु हो गया, आर यू और ये ई बिंदु हो गया। अब भुजाओं की माप भी लिख लेते हैं। हमें टी आर भुजा दी है 3.5 सेंटीमीटर और यू ई, उसके बाद आर यू भुजा दी है, आर यू दी है 3 सेंटीमीटर और यू ई भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से इसकी मापे दी हैं बच्चों, और इन मापों को लेकर ही हमें चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो चतुर्भुज के निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम आर यू रेखाखंड को बनाएंगे, और उसे बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, और इस रेखा में से हम 3 सेंटीमीटर रेखाखंड काट लेंगे। ऐसे पूरी रेखा खींची हमने और उसमें से हमें कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, 0 से लेके 3 तक, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। और इसका नाम रख लीजिए, क्या नाम रख लीजिए इसका, आर यू नाम इसका दिया हुआ है। अब एंगल आर पे हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। 75 का मतलब होता है हमें 60 और 90 का पहले बनाना पड़ेगा, और फिर ये आपको बनाना आता ही होगा, आपने परकार पटरी से 75 डिग्री का एंगल पहले भी बनाया होगा, तो उसी तरह से आप इस एंगल को बनाएंगे। ये इसमें से 60 हो गया और 90 और बना लेते हैं, आधे से ज़्यादा की दूरी लेंगे, इधर से काटेंगे और उसी दूरी को लेकर चाप इधर से काटेंगे, तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला देंगे, क्योंकि हमें 90 नहीं लेना है, हमें तो लेना है कितना, हमें 75 बनाना है ना, तो हमें ये जो है 90 का हम बनाते हुए खींच लेंगे, और इसमें जहाँ पे इसने चाप काटा है वहाँ ये चाप काटा है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क ये 60 है यहाँ पे, ताकि आपको दिखाई दे। अब इसका हम 90 और 60 के बीच में जो है इसको हम आधा कर लेते हैं, ये डॉट डॉट करके मिलाना था, मैंने पूरा मिला दी, ये 90 वाला है। अच्छा, हमने 90 और 60 के बीच में जो जगह बची थी 30 डिग्री, उसका आधा कर लिया, ये यहाँ जहाँ ये काट रहे हैं वहाँ से हमने आर को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। यहाँ ये काट रहे थे बच्चों, ये काट रहे थे यहाँ से, तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री का एंगल। अब यू पे हमें बनाना है 120 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री बनाने के लिए, अच्छा ये भी आपने सीखा ही होगा एंगल बनाना प्रकार पटरी की सहायता से, तो उसी तरह से हमने 120 का एंगल यहाँ बना लेना है। ये हमने इसमें 60 काटा और ये नेक्स्ट हो गया 120 एम के एंगल
120, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। ये मैंने डार्क कर दिया, ये देखिए बच्चे, ताकि आपको ये ठीक से दिखाई दे। और इसको मिलाते हुए रेखाखंड आगे बढ़ा देते हैं। फिर इसमें जितनी माप दी होगी उतना हम काट लेंगे। 4 सेंटीमीटर दी है तो हम 4 सेंटीमीटर पहले नाप लेते हैं। ये 0 है और ये है 4, और दूसरा है 3.5 सेंटीमीटर, उसे भी नाप लेते हैं। 3 और 4 ये आ गए, 3 और ये ये आधा हो गया 3.5। तो ये हमने दोनों नापों पे निशान लगा दिया है बच्चों। और ये दूरी हमने इसमें भरी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यू यू को केंद्र मान के हमने ये 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। जहां पे ये चाप काटेगा उस बिंदु का नाम हो गया ई। अब क्या करना है, आर को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। जहां ये चाप काटेगा उसका नाम होगा टी। टी को ई से मिला दीजिए, ये टी है, टी को क्या करेंगे, ई से मिला देंगे हम। ये मिला दिया हमने और ये बन गया है चतुर्भुज टी। क्या बन गया है, टी आर यू ई, ट्रू, टी आर यू ई, यही हमें बनाना था। अब इनकी मापे लिख देते हैं। ये तो 75 डिग्री हमने लिख दिया है, ये कितने का है, 120 डिग्री का है एंगल यू। और ये आर यू है 3 सेंटीमीटर, और ये है यू ई है 4 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आर टी भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली रेखाखंड, ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहां लिख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सी एम हम लिख देंगे। इनकी माप हमने लिख दी बच्चों। अब इस तरह से ये चतुर्भुज आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। तो प्रश्नावली 4.4 के मैंने दोनों प्रश्न कर दिए हैं, और आपको जो है गृह कार्य के लिए मैं एक प्रश्न दे देता हूं, तो आपने स्वयं करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों जो प्रश्न दे रहा हूं आप नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लेंगे। ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा जो आपने करना है। आपने क्या करना है, एक चतुर्भुज ए ई ई डी की रचना करनी है, की रचना कीजिए दे रहा है बच्चों, कीजिए जहां जहां ए बी रेखाखंड है 4 सेंटीमीटर और बी सी रेखाखंड है 5 सेंटीमीटर, सी डी है, रेखाखंड सी डी है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल बी है 105 डिग्री, 105, तथा एंगल सी है 80 डिग्री। ये मापे हैं, इनके आधार पे आपने चतुर्भुज का निर्माण, चतुर्भुज की रचना करनी है। तो बच्चों ये होमवर्क है आपका, ये आपने करना है। तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको इस
इसको करने में आसानी रहे कि ये किस तरह से करें। बच्चों आपने क्या करना है, इसकी एक रफ आकृति बना लेनी है ये इस तरह से, और जो एंगल है उनको कहाँ रखना है, उनको नीचे रखना है। जैसे ये एंगल दिए हैं तो इनको हम कहाँ करेंगे, नीचे रखेंगे 105 डिग्री। बी ये 105 डिग्री दिया है बी। अभी हम रफ आकृति बना रहे हैं बच्चों, नाप के तो आपने बनानी है ना, स्वयं बनानी है। मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ किस तरह से बनाना है। बी एंगल ये रखा हमने और सी एंगल, एंगल सी, एंगल एंगल सी यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये 80 डिग्री का है और सी लिख लीजिए, और बाकी जो भुजाएं हो गई वो लिख लीजिए ए पी। तो जो कोण वाले हैं, कोण आपने कहा आधार में रखने हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। अब जो भुजाओं की माप है वो लिख लेते हैं, बी सी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर और ए बी दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है। इसके अलावा सी डी, ए बी सी डी, ये डी है बच्चों, डी सी डी हमें दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ये दिया। तो इस तरह से आप, मैंने रफ आकृति बना ली और इसके बाद आपने इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपने बी सी आधार खींचना है 5 सेंटीमीटर, एक पूरी रेखा खींच लेंगे उसमें से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे बी, और बिंदु बी पे आप 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बिंदु सी पे आप 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और जो एंगल बनाएंगे बिंदु बी पे, ये रेखाखंड जो आएगा खींच देना है और इसमें से 4 सेंटीमीटर आपने प्रकार में भर के काट लेनी है दूरी, जहाँ पे कटेगा उसका नाम बिंदु ए होगा, ठीक है बच्चों। और सी से भी काट लेना है, बिंदु डी आ जाएगा 6.5 पे। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो बच्चों ये आपको होमवर्क करना है, और यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे नहीं देख पाए किसी कारण, तो आप ये दूरदर्शन के यूट्यूब के ज्ञानदीप कार्यक्रम में देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक